नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। बिहार में दरोगा की बहाली कब होगी, इसके लिए हम आपको लगातार अपडेट देते जा रहे हैं। आपको हम वीडियो में बताएंगे कि कितने सीटें रहेंगी, किस किस संवर्ग के लिए बहाली होने की संभावना है। आपको बताएं कि 21 अक्टूबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो नव नियुक्त सब इंस्पेक्टर हैं उनको नियुक्ति पत्र देंगे और राजगीर के लिए रवाना करेंगे। 24 अक्टूबर से उनकी ट्रेनिंग बिहार पुलिस एकेडमी राजगीर में शुरू होने वाली है। और आपको हम बता दें कि जो नई बहाली है उसको लेकर भी अपडेट मिलना शुरू हो गया है और संभावनाएं ये बताई जा रही हैं कि 21 अक्टूबर को ही मुख्यमंत्री जी के द्वारा अगली बहालियों को लेकर कुछ घोषणाएँ की जाए। क्योंकि बता दें, पुलिस भर्ती को लेकर मुख्यमंत्री जी हमेशा से सजग रहे हैं और हरेक कार्यक्रम में वो बहालियों को लेकर जोर देते रहे हैं। 1,24,000 के आसपास बहाली अगले कुछ वर्षों में बिहार पुलिस को करना है, लेकिन जो आने वाले चरण में बहाली होने वाली है उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि जो हमें हमारे सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि सबसे पहले बताएं कि एएसआई जो स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर होते हैं उसके लिए भी बहाली आने वाली है और उनके सीटों की संख्या जो है वो 350+ जो हमें सूचना मिल रही है, 350+ जो है 400 से कम है, 350 से ज़्यादा है इनकी संख्या है। फिर से बता दें, ग्रुप डी रसोईया, फिर से बता दें आपको कि धोबी जो माली होते हैं ग्रुप डी के जो पद हैं, हम पहले भी आपको बताए हैं और अब भी बता रहे हैं, 4,000+ जो है ग्रुप डी की बहाली के लिए जो है वो कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा बता दें, पुलिस 21,391 बहाली का सिलसिला चल रहा है, लेकिन इसके साथ साथ बताएं कि लगभग 15,000 पुलिसकर्मियों की बहाली को लेकर पुलिस हेडक्वार्टर ने हरी झंडी दी है गृह विभाग को। 20,000 संख्या नहीं है, 20,000 संख्या ग्रुप डी और कांस्टेबल दोनों जोड़कर होता है। और दरोगा की बात करें हम, जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, जो अभी जानकारी हमें मिली है, 1,835 से संख्या जो है वो कम होगी और 1,800 से ज़्यादा होगी। अब 1,809-10 हो, 31-32 हो, लेकिन 1,835 से कम है संख्या, लेकिन 1,800 से अधिक है, ये कन्फर्म जानकारी है। एग्जैक्ट जानकारी हमें भी नहीं मिल पाई है, लेकिन इतना हमारे सोर्स ने क्लियर किया है कि नहीं, 1,835 दरोगा का जो सीट है वो नहीं है, वो जो है 1,800+ है, लेकिन 1,835 से कम है। तो देखिए, बहुत सारे छात्र जो हैं हम पे उंगली उठा सकते हैं कि आपने तो 1,835-1,871 बताया था। तो बता दें कि ये जो है जानकारियां जो हैं कहीं से एग्जैक्ट जल्दी नहीं मिल पाती हैं और हम आपको लगातार जो प्रोसेस चलते रहता है उसको लेकर जानकारी देते हैं। ये जो हमने आपको खबर दिया है इसकी पुष्टि आप देखिएगा 21 अक्टूबर से पहले जरूर हो जाएगी या 21 अक्टूबर तक जरूर हो जाएगी। अब मुख्यमंत्री जी करें या फिर कोई और करे, लेकिन इसका पुष्टि जो है वो होने वाली है। क्योंकि बताएं आपको कि पुलिस जो है भर्तियों को लेकर पुलिस हेडक्वार्टर जो है वो काफ़ी एक्टिव है। आप खुद अखबार में पढ़ते होंगे कि सारे विभाग में भर्तियों को लेकर जो है वो सरकार ने कड़ा निर्देश दिया है कि 31 अक्टूबर तक आप सब कुछ हमें करके दें। तो आपको हम बता दें कि 1,800+ दरोगा का रोस्टर क्लियर होकर पुलिस हेडक्वार्टर में आ चुका है, 1,835 से कम है संख्या, और लगभग 15,000 से कम ही हो सकता है सिपाही है, और 350+ स्टेनो सब इंस्पेक्टर एएसआई जो होते हैं उनका पद है, और साथ साथ बता दें लगभग 4,000+ अब 4,200-4,300 हो ग्रुप डी का है पद, जिस पर बहुत जल्द से जल्द बहाली को लेकर
कार्रवाइयां शुरू होगी। और आपको हम ये भी बता दें कि सबसे पहले दरोगा भर्ती के लिए जो सीटें हैं वो भेजी जाएंगी गृह विभाग से BPSSC को, ताकि सबसे पहले दरोगा की भर्ती की कार्रवाई शुरू हो सके। तो यही जानकारी है और हम आशा करेंगे कि 2-4 दिनों में जो है इसका कन्फर्मेशन जो है वो हो जाए। अब कौन करता है, पुलिस हेडक्वार्टर करता है या मुख्यमंत्री जी करते हैं, ये देखने वाली बात है। लेकिन आपको हम एक बार और बता दें, भले आप कितना भी नाराज हों, हमको ये बोले कि फेक न्यूज़ चलाते हैं, जो भी चलाते हैं, 1800 प्लस और 1835 से कम, कुछ कम ज़्यादा, लेकिन बहाली जो है वो बहुत जल्द आएगी। 1800 प्लस दरोगा का संख्या है, एग्जैक्ट हमें नहीं पता है, लेकिन 1835 से कम है। तो देखिए कब तक इसकी पुष्टि होती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।